Very good morning, children. How are you? I am Amita. Today we will discuss about activity for plants need water. We already discussed about in previous video plants need water. Here discuss about activity. Do activity and practical here these topics, and this is confirmed plants need water. So some picture draw here, some potted plant, take it. This is some potted plant. Draw here. Easily seen this video. Take some small example. Easily can seen this. Plants need water. Easily understand. मेरी कोशिश ये रहती है कि सभी जो मेरा चैनल छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, मेरे टॉपिक्स जो होते हैं वो बड़े छोटे छोटे होते हैं, लेके आती हूँ कि ईज़िली बच्चे उसको देखें और ईज़िली उससे कुछ सीखें। बड़े बड़े टॉपिक्स को मैं छोटे छोटे कंटेंट में लेके आती हूँ। जैसे यहाँ पे प्लांट्स नीड वाटर, तो हम एक्टिविटीज़ के द्वारा शो कर सकते हैं कि हमें प्लांट्स को पानी की क्यों ज़रूरत है। एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ इंग्लिश वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो रहे हैं। हिंदी के आने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी आने लगेंगे हिंदी के। तो आप इजीली अपनी नॉलेज को इस तरह बढ़ा सकते हैं, छोटी छोटी चीज, छोटे छोटे वीडियोस को देखकर। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते चलें, लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, ताकि मेरी ये जो टॉपिक्स हैं वो लोगों तक पहुँचे और ईज़ली उसको देखकर अपनी नॉलेज को बच्चे बढ़ा सकते हैं। और कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हेयर वी कैन ड्रॉ सेकेंड प्लांट। First picture, and this is a second picture. First I will come first picture. This is a plant. Take a potted plant and keep it without water. एक हमने plant लिया जिसको बिना पानी के रखा, इसमें कोई भी पानी हमने नहीं दिया 3 दिन तक। तो take a potted plant and keep it without water for 3 days. फर्स्ट पिक्चर शोन हियर, पहली पिक्चर को हम देख सकते हैं वीडियो में इजली कि एक प्लांट हमने विथ पॉट लिया, यहाँ इजली देख सकते हैं, और 3 दिन तक उसको बिना पानी के रखा, मतलब इस प्लांट में हमने कोई भी पानी नहीं डाला। टेक ए पॉटेड प्लांट एंड कीप इट विदाउट वाटर फॉर 3 days. वॉट डू यू ऑब्जर्व ऑन द थर्ड डे? फिर 3 दिन बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा? What do you observe on the third day? The plant has withered. The plant has withered. Withered means मुरझाना। यहाँ जो plants हैं, पौधे हैं, वो मुरझा से गया, सूख से गया। जानते हो क्यों? Do you know, children? Because what the plant do not get enough of water. So प्लांट हैज विटल्ड, क्योंकि इस प्लांट को सफिशिएंट अच्छी मात्रा में पानी नहीं मिला, 3 दिन तक हमने पानी नहीं दिया, तो ये प्लांट हैज विटल्ड, पौधा जो है वो मुरझा गया। तो सम दिस पिक्चर शो सम पॉइंट हियर नोटेड हियर। टेक ए पॉटेड प्लांट, कीप इट without water for 3 days. for 3 days. What do you observe on the third day? Yes, this is an interesting fact, है ना? Do you know what do you observe on the third day? हमने एक potted plant लिया. Take a potted plant and keep it without water for 3 days. Keep it without water for 3 days. एक plant पौधा लिया हमने potted और उसको 3 दिन तक हमने बिना पानी के रखा. What do you observe on the third day? जब हमने तीसरे दिन उसको observe किया, the plant has withered. The result will come. The plant has withered. मतलब plants जो है वो मुरझा गया. यहाँ हम we can see easily see near this picture. The plant has withered. मतलब ये मुरझाई सी हुई पत्तियां दिख रही हैं हमको, झुकी हुई सी दिख रही हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधा जो है वो मुरझा गया. हमने 3 दिन तक उसको पानी नहीं दिया. The plant has withered. These leaves of plants has withered. And this shown the second picture here. The plant began to start erect. This picture shows the plant begin to start erect. Why, children? Water the plant for a couple days. हमने इस प्लांट्स को फिर क्या किया? दोबारा 2-3 बार 2-3 दिन तक पानी दिया. उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया. आफ्टर 2 days we observe this plant. The plants begin stand to erect. A properly watered plant stand upright and erect. So this we can observe this. The properly watered plant stand. This is a stand upright and erect. And here this picture shows the without water plant. The plant has withered easily. Observe after 3 days. And this second picture shows the plants upright and erect stand because the water the plant for a couple of days. The plant begins to stand erect. A properly watered plant stand and upright erect. Flower blossom it. Flower भी फूल भी खिल जाते हैं. जब हम पानी देते हैं 2-3 दिन तक, फिर लगातार इस पौधे को पानी देते हैं, तो प्लांट जो है वो स्टैंड और इरेक्ट खड़ा हो जाता है. यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं और फूल भी खिलने लगते हैं. फ्लावर ब्लॉसम ऑन इट. ओके, so we can easily see there and define their plants need water. Without water, plants cannot grow. Okay, so here this point show first water the plant for a couple days. The plants begin to stand erect. A properly watered plant stands upright and erect. And flower blossom it. We can easily see near a flower blossom it. Flower. Blossom it. So we can easily define here activity for the plants need water, and this activity you can do in योर होम. आप अपने घर में भी इस एक्टिविटी को इजीली कर सकते हैं और देख सकते हैं कि विदाउट वाटर प्लांट जो होता है वो नहीं सर्वाइव कर सकता. विदाउट द प्लांट इज नीड फॉर वाटर. सो नेक्स्ट वीडियो वी विल कम एनिमल्स नीड वाटर. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. एंड अन अकेडमी पर जाकर आप मेरे वीडियो को और मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के 9th-10th के साइंस के नोट्स और वीडियोस और विद टॉपिक्स एंड विद क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हैं. आप वहां जाकर अन अकेडमी ऐप पे देख सकते हैं जो इंडिया का लार्ज प्लेटफॉर्म है. सो स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.